हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है। और लेके आया हूँ ड्राइंग क्लासेस का नया एपिसोड। और इसमें फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टेक्निक्स बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें मैं आप लोगों को लाइन और सर्कल की हेल्प से ड्राइंग बनाना सिखाता था, बट इसमें हम लोग कुछ अलग तरीके से ड्राइंग करेंगे। और भी क्या मैथड है ड्राइंग करने के, वो चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन साथ में जरूर दबा दें। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो आर्टिस्ट रवि तिवारी के नाम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप लोग वीडियो पूरी देख लेते हो ना, कमेंट करते हो ना शेयर करते हो, तो ये चीज़ें आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा इम्प्रूव करिए। और क्योंकि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, आप लोग जब कमेंट करते हो, आप लोग लाइक करते हो, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, मुझे ऐसी वीडियोस और भी लेके आनी चाहिए। तो अभी तक का आपका जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है वो काफ़ी सही मिल रहा है, तो प्लीज़ आप आगे भी ऐसी रिस्पांस बना के रखिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे भी इसके बदले में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कुछ बेसिक ट्रिक्स बताने वाला हूँ और कैसे सिंपली हम अपने ड्राइंग को जो है वो बना सकते हैं। अभी तक की वीडियो में मैंने आप लोगों को लाइन और सर्कल की हेल्प से चीज़ें बताई हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को कुछ अलग बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपनी ड्राइंग जो है वो जल्दी और फ्री हैंडली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन साथ में जरूर दबा दें। चलिए इसको शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पियर रखा हुआ है, पियर मतलब नाशपाती होता है, तो ये जो नाशपाती यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब हिंदी बोलने से ना थोड़ा एक अपनी वाली फीलिंग आती है। तो ये जो पियर आप लोग देख सकते हैं ये रखा हुआ है, तो इसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जितने भी कर्व वाले पॉइंट है ना उनको हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, मतलब जितना बाहर वाला पोर्शन है वो देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पर कितना कर्व आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐसे कर्व आ रहा है, ये फ्रीली बस हल्का फुल्का शेप देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे आसान वाली चीज़ें पकड़ो। आप लोग इरेजर ड्रॉ कर सकते हो, पेंसिल ड्रॉ कर सकते हो, सबसे आसान आसान चीज़ें, बिल्कुल टफ नहीं लेना। ये हो गया, अब करो इसमें डिटेलिंग, जब भी बन जाएगा तो डिटेलिंग कर दो हल्की फुल्की। अच्छा ये यहाँ पे हल्का कर्व है, ये लो जी हो गया, फिर ये इधर है, ये लो जी ये भी हो गया, बस ये देखो ये हो गया ड्रॉ। और क्या करना है इसमें, ये हो गया एप्पल ड्रॉ करना है, एप्पल देखो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, ये है जी बाहर से, ये अच्छा ये ऐसे, ठीक है ये ऐसे, ये लो ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये एक बेसिकली मैंने एक शेप दे दी ना एप्पल की, एप्पल की जो शेप होती है वो ऐसी ही होती है ना, तो ये मैंने दे दिया, एक बार ये बन गया ना तो अब इसमें मैं कितना भी करेक्शन कर सकता हूँ, कितनी भी डिटेलिंग्स या जो भी है वो सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ही आपको करते हुए आना है। आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि ये लाइन में कैसे है, इसको बॉक्सेस में काट दो ऐसे करके, ये हो गया, और फिर इसमें कर दे दो, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ये हो गया, ये देखो। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए बॉक्सेस तो कर दी और इसके अंदर एप्पल बना दिया, ये नहीं करना। सीखना है तो मेथड्स तो यूज़ करने पड़ेंगे, और मेन है प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाएंगी। अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा, देखो ये है, ये बताना मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बताओ क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, बोलो भाई क्या ये एक कुकुम्बर, कुकुम्बर है ना ये, बताओ क्या है, कमेंट में बताना। ठीक है मैं नहीं बताऊंगा ऐसा, ये मैंने ट्राई किया है, क्या ट्राई किया है ड्रॉ करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो ये चीज़ें हैं ये ड्रॉ कर सकते हो। और जैसे बैगन ड्रॉ करना है सपोज करो, हो गया
लेकिन बैगन जो है वो कोई कोई बैगन देखो स्ट्रेट भी होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन स्ट्रेट तो हम लोग नहीं बनाते ना, जनरली हम वो बनाते हैं जो हमें थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में और लोगों को भी देखने में अच्छा लगे। तो ये कर्व करेंगे हल्का सा, इसमें ही करेक्शन कर देंगे। हो गया बस, क्लियर है? बिल्कुल इजी इजी चीज़ें बनानी है, बिल्कुल इजी इजी, इसमें कुछ नहीं करना है कि एकदम भारी भरकम बना रहे हैं। अब मैं एक चीज़ आपको और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कप कैसे ड्रॉ करेंगे कप, ये देखो तो ऐसी कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें अगर आप लोग ड्रॉ करते हो तो चीज़ें एक तो जल्दी बनेंगी और गलतियाँ भी कम होंगी। लेकिन बेसिकली क्या चाहिए हमको, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो यही मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो एक आधे में आपको कलर भी करके दिखा देता हूँ कि कलर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग कलर करते हैं, ठीक है? तो इसमें हराई होगा है ना, नाशपाती ही जो है, नाशपाती खाया होगा ना आप लोगों ने, हराई तो होता है। ये कर दिया हमने, कौन सा हरा है ये सैप ग्रीन। और फिर ये डार्क वाला नहीं करते, लाइट वाला कर देते हैं। बहुत माइनर सा ये कर दिया, उसके बाद से वाइट से इसको कर दो मिक्स। क्लियर है? अब देखो इसकी कर देता हूँ मैं डिटेलिंग। देखो आप लोगों को मैंने एप्पल में बता रखा है किस तरीके से कलर कर सकते हैं, तो उसमें बताने का मुझे नहीं लगता कि दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ठीक है? आइए देखिए, ठीक है, क्लियर हो रही है? इधर से हल्का सा ऐसे हम खिड़की शेडिंग कर देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हल्की हल्की शेडिंग करनी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, क्लियर है? इसमें भी बता दूं, चलो इसमें भी बता देते हैं, ऐसी क्या बात हो गई। ये देखो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं जितना भी बता दूं आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करते रहो घर पे। ये लो बैगन भी तैयार हो गया।
ठीक है, ये क्लियर है। तो ये चीज़ें आप लोग जब ड्रॉ करेंगे तो ये अपने आप से करिएगा आप लोग, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे आप इनबॉक्स में मुझे पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।